हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक वाल्वो ग्रुप और एक आइशर मोटर की जॉइंट वेंचर है। यानी कि यहाँ पर जो वाल्वो के बस और ट्रक्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर होता है, उसके साथ साथ जो आइशर के जो बसें या फिर जो ट्रक्स होते हैं उनका भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है। यानी कि वाल्वो बस ट्रक और नॉर्मल बस ट्रक्स का मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। इसका कि प्लांट पीतमपुर मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा के, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं और ये कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको इस कैंपस से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं जॉब सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि हम अपने YouTube के माध्यम से आपके लिए ITI डिप्लोमा BTEC और नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए प्राइवेट जॉब या कैंपस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर आते रहते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह का नॉलेजबल कंटेंट लेकर आता रहूं। बात करते हैं ये कैंपस कहाँ पर हो रहा है। कैंपस हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सनवाद MP, यानी कि MP के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सनवाद में हो रहा है यहाँ पर कैंपस। और इस कैंपस की जो डेट है वो है 8 अक्टूबर को यहाँ पर कैंपस है। और यहाँ पर डिप्लोमा टेट मांगी हुई है। डिप्लोमा में जो ब्रांच होते होनी चाहिए आपकी, वो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेट्रॉनिक्स। इन डिप्लोमा जो ब्रांच हैं इनके कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और डिप्लोमा पास आउट जो सेशन है वो है 2019, 20 और 21। इस सेशन के डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए पासिंग का वो 10-12 डिप्लोमा में 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पर एक बात और है, जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल तक मांगी गई है, तो 23 साल या उससे कम ही आपकी एज होनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी शुरुआत में जॉब रहेगी वो करीब 21 महीने या 2 साल तक की रहेगी। तो यहाँ पर शुरुआत में आप इस कंपनी जब ज्वाइन करते हैं तो आप कि जो ज्वाइनिंग होगी वो एज ए अप्रेंटिसशिप या फिर एज ए नीम ट्रेनी होगी। उसके बाद आप कंपनी बेस पर हो सकते हो। तो फिलहाल अभी आप 21 महीने के लिए यहाँ पर एज ए अप्रेंटिस और एज ए नीम ट्रेनी ही रहोगे। और लोकेशन आपके पीतमपुर मध्य प्रदेश है, तो वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी और MP में ही यहाँ पर इसका कैंपस प्लेसमेंट है। तो ये कैंपस प्लेसमेंट जो वो ओनली MP के कैंडिडेट्स के लिए है, अदर कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी बताई गई है, शुरुआत में आपको फर्स्ट ईयर जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 11,000 रुपये मिलेगा और अगले साल जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 12,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कुछ बोनस भी मिलेगा जो पर मंथ मिलेगा, यानी एक महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको 1,000 रुपये पर मंथ भी दिए जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है। तो आपकी सैलरी करीब अगर 11,000 मिल रही तो वो 12,000 मिला करेगी। यहाँ पर अदर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर बताया गया ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स 1 टाइम फूड विल बी प्रोवाइडेड एट द सुटेबल सब्सिडी रेट। यानी कि 1 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता कंपनी में जब ड्यूटी करेंगे उस टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका कुछ जो मिनिमम चार्ज है वो आपका मंथली कट जाएगा आपकी सैलरी से। उसके अलावा सेफ्टी शूज, ड्रेस और 1 टाइम स्नैक विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो स्नैक है वो फ्री रहेगा और जो फूड रहेगा उसे कुछ सब्सिडीज रेट पर वो आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको शुरुआत मिलेगा। आपको रूम खुद ही लेना पड़ेगा और यहाँ पर कंपनी के पास में आप रूम ले सकते हो, तो ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप कंपनी के पास में रूम लीजिए, खाना खुद ही बनाना पड़ेगा 1 टाइम का, 1 टाइम कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी सब्सिडीज पर। तो उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है कॉलेज की तरफ से जारी किया हुआ, बिल्कुल जेन्युइन यहाँ पर नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉलेज में या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे 8 अक्टूबर को पहुँच सकते हो अगर आप MP से हो। तो यह इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नॉलेजबल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।